मुर्गी की कीमतों को ऊपर लग गए। 8 रुपए इजाफे से ब्रायलर गोश्त 328 तक पहुंच गया। जिंदा मुर्गी 226 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती रही। महंगाई के दौर में मुतवस्सित तबके के लिए घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया। लोहा मार्केट बादामी बाग में सरिया 7,000 रुपए फी टन महंगा। 7,000 रुपए इजाफे के बाद फी टन सरिया 1,18,000 रुपए का हो गया। ग्रेट सरिया की नई कीमत 1,31,000 रुपए फी टन हो गई। स्पीडो बस के मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाह न मिली। मुलाजमीन का इनबॉक्स कंपनी के खिलाफ एहतजाज। एसी मॉडल टाउन और डीएसपी से मुजाकरात होने पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। वालिदैन की बेपरवाही। कम सिन बच्चों को ड्राइविंग के लिए गाड़ी दे दी। बच्चों का 1300 सीसी गाड़ी पर लाहौर की सड़कों पर मटर गश्त। ट्रैफिक वार्डन ने गड़ी शाहू में कार सवार बच्चों को पकड़ लिया। पापा ने गाड़ी पर अम्मी को बाजार छोड़ने भेजा। कम सिन ड्राइवर राहिल का बयान। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने के लिए मजीद कर्ज लेने का फैसला। पंजाब हुकूमत 32 अरब मजीद कर्ज लेगी। आलमी बैंक प्रोग्राम की सदात का बढ़ाने पर रजामंद। मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत 16 और आलमी बैंक 64 अरब रुपए के फंड फराहम कर रहा है। फंड की कमी मंसूबों की तकमील में रुकावट। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड वाटर टैंक का मंसूबा भी लटक गया। मंसूबे को नए माली साल के तरक्याती बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। महकमा PND को सिफारिशात अरसाल। मंसूबे को 68 करोड़ 86 लाख की फुल फंडिंग से सितंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। शहर के 2 टीचिंग अस्पतालों के शोबा हादसा सीटी स्कैन की सहूलत से महरूम। न्यू हॉस्पिटल के बाद जिना हॉस्पिटल के शोबा हादसा की सीटी स्कैन मशीन खराब। 2 में से 1 सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों का रश लग गया। दांतों के अमराज की वाहिद सरकारी इलाज का कस्मा पुरसी का शिकार। पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में 60 से ज्यादा यूनिट्स खस्ता हाल और खराब। कई बार फंड्स मांगे गए मगर पेशरफ्त ना हो सकी। SNGPL में करप्शन के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। तहकीकात में रिकॉर्ड टेंपर करना साबित। करोड़ों का माली फायदा उठाने वाले अफसरान को बचाने की कोशिशें तेज। तहकीकाती कमेटी ने मलबा जूनियर अफसरान पर डाल दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीनियर इंजीनियर चीफ इंजीनियर जनरल मैनेजर को बचाने की कोशिश। स्कूल्स के मसाइल हल ना हो सके। सूबे भर में स्कूल सरबराहान की 3,360 असामियां खाली। लाहौर में 65 स्कूल सरबराहान की जरूरत। भर्तियां ना होने से इंतजामिया मामला ठप। MPhil PhD साथ को तैनात किया जाए। पंजाब स्कॉलर यूनियन का मुतालबा। तैनातियां ना करने पर एहतजाज की धमकी दे। कम आमदन वालों के लिए आसान इकसात पर अपार्टमेंट्स। LDA में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का अलहदा डायरेक्टोरेट कायम। डायरेक्टर के लिए अकबर नकई का नाम जेरे गौर। नया डायरेक्टोरेट अपार्टमेंट्स की सेल्स मार्केटिंग और स्टेट मैनेजमेंट समेत दीगर मामलात का जिम्मेदार होगा। गुलशन रावी से समनाबाद 2 रोया अंडरपास का मंसूबा। फुल हाइट अंडरपास से ऑरेंज लाइन के स्ट्रक्चर को क्या नुकसान होगा। LDA और नेस्पाक ने अंडरपास के लिए बाकायदा स्टडी शुरू कर दी। मजदूर दोस्त दावे ही रहे। होलसेल मार्केट्स में मजदूरों की फलाह का अहम मंसूबा तकमील तक ना पहुंचा। सोशल सिक्योरिटी मेडिकल सेंटर्स की तामीर सिर्फ कागजात तक महदूद। अनारकली हॉल रोड शालम मार्केट में मेडिकल सेंटर्स तामीर होना है। शहर के 11 थानों में नए SHO तैनात। एडिशनल SHO शालीमार आसिफ अदरीस, एडिशनल SHO नवाब टाउन असद इकबाल और एडिशनल SHO कोट लखपत नैयर निसार लाइन हाजिर। इंस्पेक्टर वजूल हसन को SHO रायबिंड, आसिम हमीद को एडिशनल SHO शालीमार, इंस्पेक्टर मकसूद गुजर को SHO शफीकाबाद तैनात कर दिया गया। लेस्को में बड़े पैमाने पर तकरार तबादले। मजहर हसनैन SDO कंस्ट्रक्शन डिफेंस, मोहम्मद अकरम SDO कंस्ट्रक्शन फिरोजपुर रोड, रावत दान अफजल रीजनल स्टोर मैनेजर शालामार, मोहम्मद हुसैन एक्सिन मटेरियल मैनेजमेंट तैनात, जबकि शुएब नवाज SDO शालामार और अली अब्बास को SDO GT रोड सब डिवीजन तैनात कर दिया गया।
सैनेट इंतखाबात और सियासी मंजरनामा। पीटीआई की जीत के लिए चौधरी सरवर अहमद इख्तियार कर गए। जहांगीर तरीन मंजर से आउट। जहांगीर तरीन शुगर स्कैंडल के बाद से पार्टी से नाराज। गवर्नर पंजाब को अब्दुल हफीज शेख की कामयाबी का टास्क मिल गया। चौधरी सरवर इस्लामाबाद चले गए। पीटीआई अरकान के साथ मुलाकातें करेंगे। उधर पंजाब में लाए अमल के लिए इजलास आज होगा। वजीर आला से पीटीआई इतिहादी जमात के सैनेट उम्मीदवार मुलाकात करेंगे। सैनेट इंतखाबात में कागजात मुस्तरद होने का मामला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में परवेज रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने कहा कागजात नामजदगी नादहिंदा होने पर मुस्तरद किए गए। अदायगी के लिए दरख्वास्त दी मगर मुस्तरद कर दी गई। जैसे शाहिद वहीद बोले बैंक में रकम जमा करवानी थी, आप तो बैंक गए ही नहीं। वकील ने जवाब दिया परवेज रशीद को अकाउंट नंबर ही नहीं दिया गया। बहस के बाद अदालत ने कल तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। सैनेट इलेक्शन की तैयारियां। ऑपोजिशन की पंजाब असेंबली का इजलास तलब करने की रिक्वजिशन। स्पीकर चैंबर का रिक्वजिशन पर फौरी फैसला। कल असेंबली का इजलास 2 बजे तलब कर लिया। मोहम्मद अकब रुकन असेंबली तलत चौकत हल्फ उठाएंगे। जेल में शहबाज शरीफ की सेहत खराबी का मामला। नौरुखनी मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ का कोटलखपत जेल में तिब्बी मुआयना किया। मेडिकल बोर्ड की मजीद टेस्ट न करने, अद्वियात जारी रखने की हिदायत। तिब्बी मुआयने पर अपोजिशन लीडर का इजहार इत्मीनान। पंजाब के हर शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कार्ड मिलेगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। महकमे सेहत की कारकर्दगी। मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट में तरामीम का जायजा। वर्क चार्ज मुलाजमीन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल्स और OMS की तकरारी पर भी गौर किया गया। पंजाब इंतखाबात की निगरानी वजीर आजम और वजीर आला करेंगे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास में बलदियाती इंतखाबात में तरमीम शुदा कानून का जायजा। 8 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी इकदाम से वजीर आजम और वजीर आला को आगाह करेंगे। बैंकिंग कोर्ट्स हुकूमती अदम तवज्जो से भूत बंगला बन गई। बरामदे छतें दीवारें टूट फूट का शिकार। 2019 में आग लगने से अदालत चली, आज तक तवज्जो ना दी जा सकी। लटकते बिजली के नंगे तारों से हादसे का खदशा। पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं। वकला और सालीन का हुकूमत से बिल्डिंग की तरफ तवज्जो देने का मुतालिबा। DG वॉल सिटी की तैनाती गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त। फैसला ना करने पर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करके 15 मार्च को जवाब तलब कर लिया। बेड का मैट्रेस खराब देने, तब्दील ना करने का मामला। शहरी सारिफ अदालत पहुंच गया। अदालत ने मैट्रेस शॉप मॉडल टाउन के मालिक को 17 मार्च को तलब कर लिया। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ पोलियो वर्कर्स सरापा एहतजाज। पोलियो वर्कर्स की डीजी हेल्थ के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालिबा। सिवरेज का अब्तर निजाम, हर तरफ गंदा पानी जमा। 18 सरोबा के रिहायशी नाके सिवरेज सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। नारेबाजी, आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालिबा कर दिया। कोरोना कार्रवाईयों में ACs के इख्तियारात महदूद। आउटलेट्स को डीसील करने का इख्तियार असिस्टेंट कमिश्नर से वापस ले लिया गया। आउटलेट्स डीसील का इख्तियार ADCG शाहिद अब्बास काठिया को तब्दील कर दिया गया। ACs 1 घंटे में ADCG को रिपोर्ट करने के पाबंद होंगे। किताबों की कीमतों में इजाफे का खदशा। वजीर तालीम मुराद रास ने कीमतों का तयन करने के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 10 रोज में कीमतें बढ़ाने के हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। वजीर आला पंजाब के रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। 891 होनहार तालिब इल्मों को 1 अरब रुपए की सालाना स्कॉलरशिप दी जाएगी। दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल होंगी। उस्मान बुज़दार ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप की वेबसाइट का इफ्तिताह किया। वजीर आला कहते हैं रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप 50% मेरिट, 50% जरूरतमंद तलबा को दी जाएगी। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के अफसरान का सिविल सेक्रेटेरिएट का मुतालियाती दौरा। सिविल सर्विसेज के 10 अफसरान के वफ्द ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी से मुलाकात की।
CSS 48वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम अफसरान का एंटी करप्शन का दौरा। DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस ने दाराकार और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। और PCB ने LCCA ग्राउंड का चार्ज संभाल लिया। ग्राउंड में प्रैक्टिस करने वाले क्लब्स आज ट्रेनिंग कर सकेंगे। PSL मैचेस लाहौर शिफ्ट होने पर क्लब्स नेट 23 मार्च तक बंद कर दिए जाएंगे। PSL टीम्स LCCA ग्राउंड पर प्रैक्टिस करेंगे।